Hello everyone, my name is Neelam. I am back with a very interesting topic. I have a collection of some words which are some singular nouns and some plural nouns. इंग्लिश में सिंगुलर नाउन क्या है, प्लूरल नाउन क्या है, उनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं. सिंगुलर मीन्स वन, हिंदी में बोलते हैं एक वचन. प्लूरल मीन्स मेनी, मोर देन वन, हिंदी में बोलते हैं बहुवचन. द वर्ड्स विच आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, दे विल डेफिनेटली ग्रो योर नॉलेज. लेट्स डिस्कस ईच वर्ड केयरफुली. फर्स्ट वर्ड इज डेटा. एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस वर्ड. किसी भी टाइप की यूजफुल इंफॉर्मेशन को डेटा कहते हैं. डेटा प्लूरल नाउन है और डेटा का सिंगुलर डेटम होता है. डेटम वर्ड बहुत कम यूज़ किया जाता है, मोस्टली डेटा वर्ड ही यूज़ होता है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. माई डेटा इज सेव्ड. प्लीज़ कैन यू स्टोर ऑल द डेटा इन माई पेन ड्राइव. Let's discuss the next word, which is formula. Formula is a singular noun. What would be the plural of this word? Friends, it has two plurals. One formulas and another one is formulae. Formulas is more common than formulae. Look at the examples. There is no easy formula for success. These are many formulae or formulas to solve this problem. Let's move on to the next word, furniture. Did you buy furnitures for your new office? क्या आपने notice किया मैंने क्या बोला? I said furnitures. Is it correct? No, it is totally wrong. Furniture में beds, chairs, cupboards, tables सभी आते हैं. So it is always furniture, not furnitures. Look at the example. He sold his old furniture. What do we say, informations or information? Which one is correct? Information. It is correct one. Don't say informations. We don't have to put s at the end of the word because it is completely wrong. Let's check some examples. She has information about that particular place because she used to live there. We can get a lot of information on the internet. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, फॉरगेट मी नॉट. क्या सोच रहे हैं आप लोग, थोड़ा अलग वर्ड है ना? आप में से बहुत लोगों ने इस वर्ड को पहली बार सुना होगा. फ्रेंड्स, ये एक प्लांट का नाम है और इसमें लाइट ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं. फॉरगेट मी नॉट सिंगुलर है और इसका प्लूरल फॉरगेट मी नॉट्स है. वी विल एड एस एट द एंड ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लूरल. अब बात करते हैं टच मी नॉट. इट इज़ ऑल्सो अ प्लांट नेम. फॉरगेट मी नॉट एंड टच मी नॉट दोनों एक दूसरे से काफ़ी कॉमन है. दोनों प्लांट्स नेम हैं. हैव यू एवर सीन दिस प्लांट? एक्चुअली आई हैव सीन दिस प्लांट. इसकी पत्तियों को छूने से ये विल्ट हो जाती हैं और थोड़ी देर के बाद ये खुल जाती हैं. टच मी नॉट सिंगुलर है, टच मी नॉट्स प्लूरल है. इसमें भी नॉट में एस ऐड करने से ये प्लूरल बन जाता है. लेट्स लर्न सम कंपाउंड नाउन्स. मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सारे सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स हैं. इसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है. अगर वो एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो लॉ को लॉज बोल देते हैं, बट इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. अगर हमें एक से ज़्यादा की बात करनी है तो एस लॉ में नहीं, मेन वर्ड में ऐड करेंगे. जैसे शी हैज़ टू ब्रदर्स इन लॉ, शी हैज़ टू सिस्टर्स इन लॉ. एस को ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर में ऐड करने से ये प्लूरल बन जाते हैं और बाकी बचे हुए वर्ड सेम रहते हैं. करेक्ट प्लूरल ये हैं, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ. डोंट से मदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज. एवरीथिंग, नथिंग, ईच, वन, एवरी वन, नन, एनी वन, सम वन, एवरीबडी, समथिंग. दीज वर्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर.
and we use singular verb with all of them. Let's see some examples. Everything is perfect. Nothing is done to elevate our country. Someone needs your help. आपने नोटिस किया इन सारे वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है. लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वर्ड हेयर. लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड वेरी केयरफुली बिकॉज इट्स बिट कन्फ्यूजिंग. योर हेयर्स आर लॉन्ग. क्या लगता है आपको ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है. करेक्ट सेंटेंस होगा योर हेयर इज लॉन्ग. जब हम बालों को काउंट नहीं कर सकते हैं तब हेयर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. हर हेयर इज़ ब्लैक एंड थिक. इन केस अगर आप काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 hairs ऑन हिज हेड आर ग्रे. रिमेंबर ओनली इन दिस सिचुएशन यू कैन यूज़ हेयर्स विद प्लूरल वर्ब. डू यू नो द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स? क्या लगता है आपको मैंने सही सेंटेंस बोला? आई सेड डू यू नो द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. एक्चुअली मैंने अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस किया है. कई लोग अल्फ़ाबेट्स ही बोलते हैं बट इट इज़ रॉन्ग. वी सिंपली हैव टू से अल्फ़ाबेट. वी डोंट हैव टू यूज़ एस एट द एंड ऑफ द वर्ड. लेट्स चेक सम एग्जाम्पल्स. अ कीबोर्ड हैज़ अल्फ़ाबेट कीज. English alphabet has 26 letters. Tongs एक किचन टूल है और इसका यूज़ चपाती या फिर किसी भी चीज़ को पलटने में किया जाता है. ये प्लूरल नाउन है. चाहे हम एक की बात करें या फिर एक से ज़्यादा टोंग्स की बात करें, हम इसे टोंग्स ही बोलेंगे और प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. टोंग्स प्लूरल में क्यों होता है? एक्चुअली एक रीज़न है. टोंग्स में दो नैरो लॉन्ग पीसेस होते हैं, दोनों आपस में जुड़े होते हैं. दो लॉन्ग पीसेस होने की वजह से ही हम इसे टोंग्स बोलते हैं. एग्जाम्पल, यूज टोंग्स टू फ्लिप द चपातीज. नेक्स्ट वर्ड सीजर्स है. इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वर्ड टोंग्स क्योंकि इसमें दो शार्प ब्लेड्स होती हैं जिसकी वजह से हम इसे सीजर्स प्रोनाउंस करते हैं. एक या एक से ज़्यादा की बात करने पर भी हमेशा हम सीजर्स ही बोलेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. लेकिन जब हम अ पेयर ऑफ सीजर्स की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. एग्जांपल्स देखते हैं. दिस इज़ अ न्यू पेयर ऑफ सीजर्स. दीज सीजर्स डोंट कट वेल. आई विल एक्सप्लेन बोथ वर्ड्स टुगेदर बिकॉज दोनों वर्ड्स एक जैसे ही हैं. हम अक्सर पैंट्स को पैंट बोल देते हैं और ट्राउजर्स को ट्राउज़र, पर ये बोलना रॉन्ग है क्योंकि अगर हम एक की भी बात करते हैं तब भी हम पैंट्स या ट्राउजर्स ही बोलेंगे. प्लूरल में हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर फॉर बोथ लेग्स. डोंट से पैंट और ट्राउजर, ऑलवेज से पैंट्स और ट्राउजर्स. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ही ऑलवेज प्रेफर्स टू वेयर पैंट्स रदर देन जीन्स. दोज ट्राउजर्स वर टॉर्न. नेक्स्ट वर्ड है शीप. शीप एक एनिमल है और ये अनकाउंटेबल नाउन है. वी डोंट से शीप्स वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट वन और मोर देन वन. वी ऑलवेज से शीप. एट शीप, नॉट एट शीप्स. नेक्स्ट वर्ड इज गूज. गूज इट्स वन. गीज इट्स मेनी और मोर देन वन गूज. गूज इज द सिंगुलर ऑफ गीज. A goose is a large bird that has long neck and webbed feet. Let's discuss some particular subjects like physics, mathematics, politics. They all are singular nouns. Singular form of the verb will be used with them. Example, mathematics has been her favorite subject since her childhood. ये सभी singular nouns हैं और इनके साथ singular verb ही use होगी. कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हैं, लाइक मीजल्स, मम्स, डायबिटीज़. ये सारे सिंगुलर नाउन्स हैं और इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे. एग्जांपल, डायबिटीज़ इज़ अ वेरी सीरियस एंड लॉन्ग टर्म डिजीज़. Thanks for watching this video. If you enjoyed this video, please like, share and subscribe to my channel. If you have any query and doubts, please drop your comments in comment box. Bye-bye.